और दोस्तों कैसे आप, मेरा नाम है अरुण प्रभु से ट्रैकिंग टेक के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने पूछा हमें कि भाई Asus Zenfone Max Pro M1 के साथ आप Redmi Note 5 Pro को कंपेयर कीजिए, लेकिन दोस्तों मेरे पास जो Asus का आया हुआ है वो है 3GB 32GB RAM वर्जन, इसलिए मैंने कहा, और प्राइस भी नियरली सेम है Redmi Note 5 के, तो ये Redmi Note 5 Pro के साथ कंपैरिजन नहीं है, Redmi Note 5 के साथ कंपैरिजन। दोनों भी है 3GB 32GB RAM वाले वर्जन, दोनों भी है ब्लैक कलर के, और इतने सिमिलर दिखते हैं कि कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि दोनों में से कौन सा कौन है और कौन सा कौन है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन दोनों के डिफरेंसेस, इनको कंपेयर करूंगा और बताऊंगा कि आपने कौन सा खरीदना चाहिए। एक बार याद रखिए, ये Redmi Note 5 जो है वो है 9999 का, देखने दो भाई, मी का ही है। जी हाँ, Redmi Note 5 और जो Asus Zenfone Max Pro M1 है वो है 10999 का। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है डिफरेंसेस, करते हैं कंपेयर, और एंड में आपको पता चलेगा कौन सा अच्छा और कौन सा इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे वीडियोस मिलने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, और दोस्तों इस वीडियो का फीचर कमेंटर है आरजू त्रिपाठी। सबसे पहले बढ़ते हैं लुक्स की तरफ, दोनों इतने सिमिलर है जैसे मैंने कहा कि भाई पहचान नहीं सकते कौन सा है, तो बहुत ही दोनों सिमिलर है। अगले है बटन प्लेसमेंट्स, सब कुछ सिमिलर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। दोनों का वेट 180 grams, कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। बिल्ड क्वालिटी, अरे भाई इतनी सिमिलर है। जी हाँ, ऊपर जो है सिर्फ Redmi का Redmi Note 5 ऊपर और नीचे प्लास्टिक थोड़ा बड़ा है, इसमें थोड़े छोटे हैं, बाकी बीच में मेटल है। अगर कोई डिफरेंस है बाहर से दोनों में तो वो है इनके मोटापे में। जी हाँ, Zenfone Max Pro M1 जो है वो थोड़ा मोटा है क्योंकि इसमें 5000 mAh की बैटरी है, ये थोड़ा पतला है क्योंकि इसमें है 4000 mAh की बैटरी। चलिए बढ़ते हैं अब इनकी स्क्रीन की तरफ, दोनों के भी 5.99 इंच स्क्रीन है। PPI पिक्सल डेंसिटी जो है वो 403 है, मतलब स्क्रीन भी सेम है। Asus ने कहा है कि उनका 1500:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, ज्यादा ब्राइट होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे कुछ नहीं दिखा। ये जो है इसकी स्क्रीन Mi Note 5 की स्क्रीन है वो थोड़ी कूलर है, जो Asus Zenfone की है वो थोड़ी वार्मर है, तो इसमें आपको कूलर टोन्स दिखेंगे, इसमें वार्मर टोन्स दिखेंगे। Mi Note 5 में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है, अभी तक कौन सा वर्जन है वो नहीं बताया, लेकिन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है, इसमें नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं बेजल्स की तरफ, दोनों के जो बेजल्स है वो भी बहुत सिमिलर है, कर्व्स भी अगर देखेंगे आप बहुत सिमिलर है, 0.1 mm वगैरह डिफरेंस होगा, लेकिन दोनों के बहुत ही सिमिलर है। और एक सिमिलैरिटी है, दोनों में 2.5D कर्व्ड ग्लास है, कर्व्ड एजेस है, वैसे ही कॉर्नर्स है सब। अगर दोनों के पावर को कंपेयर करते हैं तो इसका प्रोसेसर, इसका यानी Mi Note 5 का प्रोसेसर जो है वो Qualcomm Snapdragon 625 है, और Asus Zenfone Max Pro M1 का है Qualcomm Snapdragon 636। और इसकी वजह से दोस्तों Asus Zenfone का जो स्कोर है, अंतुतु स्कोर, वो है 111,000, और इसका जो है Redmi Note 5 का वो है 73,000। जी हाँ, तो अगर पावरफुल पावर देखेंगे दोनों में तो Asus Zenfone Max Pro M1 जीत जाता है, लेकिन Asus Zenfone Max Pro M1 में एक अच्छी चीज है और वो है एक्स्ट्रा SD कार्ड स्लॉट, डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट, जो Redmi Note 5 Pro में नहीं है। इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट है और इसमें है डेडिकेटेड। दोस्तों अगर OS के पास देखेंगे तो Asus Zenfone जीत जाता है क्योंकि इसमें है, इसमें स्टॉक एंड्रॉइड तो नहीं है, कहते हैं वेरी क्लोज टू प्योर एंड्रॉइड वर्जन है, और वो भी ओरियो है, Redmi Note 5 में अभी भी है नुगाट। और दोस्तों Asus ने कहा है कि इसमें P वर्जन भी आएगा और शायद Q भी, पता नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन अभी तो 8 है, इसमें 7 है। दोस्तों Redmi Note 5 का लेकिन एक बड़ा पॉजिटिव है, IR ब्लास्टर है इसमें, इसमें नहीं है। दोनों में भी नोटिफिकेशन लाइट है, Note 5 में भी और इसमें भी। चलिए बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ, कैमरा है, दोनों में से कैमरा किसका अच्छा है, और इसमें भी मिक्स्ड बैग है। जी हाँ, अगर आप आगे का कैमरा देखेंगे तो Redmi Note 5 Pro के मुझे ज्यादा अच्छे लगे, अच्छे आते हैं फ्रंट कैमरे से, लेकिन इसका है 5 megapixel जो Redmi Note 5 का है, और इसका जो है Asus Zenfone का है वो 8 megapixel, लेकिन जो क्वालिटी है फोटो की वो Redmi Note 5 की ज्यादा अच्छी। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले कैमरे तो इसमें आता है Asus Zenfone Max Pro M1 में आता है डुअल कैमरास 13 megapixel प्लस 5 megapixel, और ये अच्छे फोटो निकालता है, डेप्थ मोड वगैरह अच्छा चलता है, रेयर कैमरा का। इसका है 12 megapixel का कैमरा Redmi Note 5 का,
और वो भी अच्छा है, लेकिन इधर Asus Zenfone जो है वो ज्यादा अच्छा करता है रेयर कैमरा डिपार्टमेंट में। और दोस्तों दोनों में भी गेमिंग जो है हमने खेला, गेमिंग दोनों पर भी किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इसमें 625 Qualcomm का प्रोसेसर है Redmi Note 5 में, इसमें 636 का, थोड़ा ज्यादा स्नैपी डेफिनेटली लगता है 636, तो Asus Zenfone जो है वो ज्यादा अच्छा करता है गेमिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन Redmi Note 5 बुरा नहीं है। और दोस्तों जब चार्जिंग की बात आती है तो 5000 mAh की बैटरी है, इसका मतलब ज्यादा लगना चाहिए टाइम। हमने थोड़ा सा चार्ज किया 20% और देखा कौन फास्ट चार्ज करता है, और दोनों भी वैसे बहुत स्लो चार्ज करते हैं। Redmi Note 5 को पौने तीन घंटे लगते हैं, इसको भी नियरली ढाई पौने तीन घंटे लगते हैं, तो दोनों बहुत सिमिलर है। और अगर फास्ट चार्जिंग देखते हैं तो दोनों में नहीं है, लेकिन थोड़ा फास्ट चार्जिंग करता है Asus Zenfone, जी हाँ, तो इधर बीट करता है Redmi Note 5 को। 5000 mAh की बैटरी है और फास्ट चार्जिंग इससे ज्यादा है। और दोस्तों फाइनली आते हैं इसके प्राइस की तरफ, तो Redmi Note 5 जो है ये 1000 रुपए से कम है, 9999 का है Redmi Note 5, और Asus Zenfone जो है वो है 10999। इसका मतलब इधर जीत जाता है Redmi Note 5। तो दोस्तों ऐसा है भाई मेरा वर्डिक्ट कि अगर आपको 1000 रुपये 10000 के नीचे वाला फ़ोन चाहिए, मतलब 9999 का आप खरीद सकते हैं, IR ब्लास्टर चाहिए, फ्रंट कैमरा अच्छा चाहिए, तो आप Redmi Note 5 के पास देखिए। अगर आपको थोड़ा फास्टर फ़ोन चाहिए, प्रोसेसर जिसका लेटेस्ट वाला प्रोसेसर हो, क्योंकि 625 थोड़ा पुराना प्रोसेसर है, लेकिन 1000 रुपये आप ज़्यादा दे सकते हैं, प्लस SD कार्ड आपको स्टोरेज ज़्यादा लगता है, तो आप Asus Zenfone Max Pro M1 के पास देखिए। ओवरऑल अगर देखा गया तो मैं कहूंगा कि भाई 1000 रुपए से ज्यादा है, लेकिन इसका प्रोसेसर लेटेस्ट है तो आपने इसके पास देखना चाहिए, लेकिन ये भी कोई बुरा नहीं है। दोनों भी बहुत सिमिलर हैं और दोनों भी उसके प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है, तो दोनों भी आप देख सकते हैं, लेकिन स्लाइटली मेरे हिसाब से Asus Zenfone Max Pro M1 जीतता है। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन एंड डिफरेंसेस इन दोनों फोन्स के बारे में। अगर कोई भी सवाल है तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में पूछेगा, #askarun डालना मत भूलिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।